हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप फार्मूला क्या काम करता है और वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, अभी हमने बताया कि एच लुकअप क्या होता है, आप उसको एच लुकअप के बारे में जानने के लिए आप आई बटन पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं एच लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है। अगर हम बात करते हैं वी लुकअप फार्मूले की, तो वी लुकअप फार्मूला जैसा कि हमने बताया कि फार्मूला वर्टिकली रिजल्ट हमें फाइंड आउट करके देता है। और वर्टिकल का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एंट्री की हुई है, तो जो अभी हमारी एंट्री है रो और कॉलम के हिसाब से है, तो यह हमें रो और कॉलम दोनों को फाइंड आउट करके देता है, लेकिन उस पे पर्टिकुलर रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं एच लुकअप फार्मूले से हम कोई रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों, एच लुकअप और वी लुकअप दोनों के अंतर्गत हम आपको वी लुकअप के अंदर कई तरीके से रिजल्ट निकाल कर फाइंड आउट करके दिखाएंगे और वी लुकअप फार्मूले को आसानी से यूज करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको एच लुकअप में बताया, आज हम सेम टू सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन वी लुकअप फार्मूला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही है। तो दोस्तों, वी लुकअप यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है और वी लुकअप के अंदर कैसे फार्मूले काम करते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिजल्ट भी निकाला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे इस पे नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ वी लुकअप के अंदर फार्मूला कैसे लगा हुआ है इसको चेक कर सकते हैं फार्मूला बार पर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैंने फिर एंट्री की हुई है और यहाँ पे नेम वाइज दिखा रहा है, यहाँ पर भी फार्मूला लगा हुआ है। दोस्तों, फिर वही कॉन्सेप्ट, हम इक्वल टू साइन लगा लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं वी लुकअप, कोष्टक लगाते हैं। अब यहाँ पे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको निकालना है कॉलम के हिसाब से, तो हम उस बार सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कॉलम से, लेकिन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रो को। अब हम यहाँ पे श्याम पे क्लिक कर लेंगे, फिर कामा लगाएंगे और टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे के लिए फिर से हम पूरी एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब मुझे हिंदी निकालना है, तो एक दो और तीसरे नंबर पे हिंदी है, तो हम यहाँ से तीन टाइप कर देंगे। फिर कामा लगाने के बाद फिर से जीरो ट्रू वैल्यू के लिए, कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे 44 नंबर आ गया है। फिर से हम देख लेते हैं, इक्वल टू साइन लगाएंगे और फिर टाइप करेंगे वी लुकअप, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे दे रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू जो मैं वहाँ श्याम यहाँ सेलेक्ट कर रहा था, वही चीज़ हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे, फिर कामा लगाएंगे और फिर टेबल एरे देखिए यहाँ पे मांग रहा है। अब हम टेबल एरे के लिए पूरी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे एंट्री, फिर कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम का मतलब मुझे हिंदी का रिजल्ट चाहिए यहाँ के अनुसार, तो हिंदी आप ध्यान दीजिए, नेम है पहला, फिर दूसरा क्लास है, फिर तीसरा हिंदी है। हिंदी के लिए हम यहाँ से तीन टाइप कर देंगे, कामा लगाएंगे जीरो, कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट आ गया है। एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे माउस से क्लिक ना करना पड़े और सारा काम टाइप करके ही करना पड़े, इक्वल टू वी लुकअप, कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पे मांग रहा है टेबल वी लुकअप वैल्यू। अब मुझे श्याम का निकालना है, तो हम डबल इंटेड कामा में श्याम अगर टाइप कर देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब मांग रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए आप पूरी एड्रेस आपको याद रहे, जैसे यहाँ पे A1 और G1 तक दे रहा है, G11 तक ऐसे टाइप कर दें, या उसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा रिजल्ट तब भी आएगा।